स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हकीम अजमल ख़ान में। उम्मीद करता हूँ सभी भाई खैरियत होंगे। दोस्तों आज आपकी खिदमत में एक ऐसी चीज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि मर्द हजरात एक बार अगर खा ले तो बीवी छूटने की मिन्नतें करेगी कि सर छोड़ दीजिए, बिल्कुल आज मेरे अंदर जान नहीं बची, आपको बिल्कुल फारिग करने की। लेकिन मर्द में इतनी ताकत और कुव्वत होगी कि बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। और अगर आप ऐसी ताकत और कुव्वत चाहते हैं तो इस चीज़ का इस्तेमाल करें। मैं आप मक्खन से एक ऐसी तरीका बताऊंगा, एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा, इसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे आपको हमारी नई और ताज़ा वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही मेरी गुजारिश है आप दूसरे लोगों को भी इस चीज़ का बारे में बताएं जो कमज़ोर हैं, जो परेशान हैं, जो पैसा नहीं उठा सकते नुस्खों में, तो इस चीज़ का इस्तेमाल बताएं, इंशाल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको इसमें मक्खन लेना है, 50 ग्राम मक्खन लें। बाज़ार वाला मक्खन नहीं लेना, ध्यान रखें मक्खन आपको घर का लेना है। घर का मक्खन निकालें तभी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो घर का मक्खन आपको 50 ग्राम लेना है और उस 50 ग्राम मक्खन को लेकर उसमें हसबे जायका आपको चीनी ऐड करनी है। इसके बाद उसको खूब खरल करें, खूब रगड़ाई करें। खूब रगड़ाई करने के बाद वो जब बिल्कुल एक पेस्ट बन जाए तो इसके बाद आपको दूसरा काम ये करना है कि 7 अदद बादाम लेने हैं जो रात को भिगोने हैं और सुबह उनका छिलका उतारना है। फिर छिलका उतारने के बाद उनकी भी रगड़ाई करनी है, बिल्कुल पेस्ट बना लेना है और इस मक्खन में मिलाकर दोबारा से रगड़ाई करें। इसकी रगड़ाई करने के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है, सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर लें। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जिस मर्द ने इसको 15 दिन इस्तेमाल कर लिया अपनी बीवी से परहेज़ करके और गलतकारियों से परहेज़ करके, गलत खान पान जो आप खाते हैं उसको परहेज़ करके, इंशाल्लाह ऐसी ताकत और कुव्वत बख्शेगा कि बीवी मिन्नतें करा करेगी रात को छोड़ देने की, लेकिन मर्द हजरात में इतनी ताकत और कुव्वत होगी कि वो बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। तो अगर आप ताकत और कुव्वत बढ़ाना चाहते हैं, ताकत और कुव्वत के शौकीन हैं, तो इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। दोस्तों कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो किसी मुस्तनद हकीम से पहले राय मशवरा लिया करें, अपने मिजाज का चेकअप कराया करें, नुस्खे का चेकअप कराया करें, उसके बाद इस्तेमाल किया करें, क्योंकि हर किसी का मिजाज अलग होता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आएगी, पसंद आएगी। मिलता आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।